भाई इतना खाना मेरे सामने पड़ा है, आप सोच रहे होंगे पता नहीं कितने पैसे खर्च कर दिए, पर बहुत ही बजट फ्रेंडली डील लेके आया हूँ। सबसे पहले जो बारबेक्यू प्लेटर है ये सिर्फ आपको मिलेगा 1250 रुपये में, और साथ फास्ट फूड प्लेटर ये भी आपको मिलेगा 1250 रुपये। देख रहे किस किस्म का लजीज, ना कोई जूसी कबाब है ना, मुँह में जाते ही ऐसे जूसी निकले उसके। और ये देखें भाई, आज हम मौजूद हैं जायका रेस्टोरेंट पे, यहाँ हम आपके लिए बजट डील लेके आए हैं। काफ़ी टाइम से हम वीडियोस कर रहे थे, कोई बजट डील नहीं आ रही थी, तो यहाँ हम ट्राई करने हैं बारबेक्यू प्लेटर और साथ फास्ट फूड प्लेटर। भाई इनकी जो प्राइस है, बारबेक्यू प्लेटर है वो 1250 का है और फास्ट फूड प्लेटर भी 1250 में। अब अंदर चल के देखते हैं कि उसके अंदर आइटम कौन कौन से हैं बारबेक्यू में और फास्ट फूड में, तो चलते हैं दिखाते हैं आपके साथ भी शेयर करें। तो भाई इसके पास ऊपर से क्रीम आएगी और इसकी क्रीम से टॉपिंग की जा रही है, ताकि हर बाइट में जो आपको ना जूसी फ्लेवर क्रीम का भी और हर चीज़ के फ्लेवर में। तो प्लेटर रेडी टू ईट हो गया, चलते हैं टेबल पर और ट्राई करके बताते हैं कैसा है। अच्छा भाई, बारबेक्यू प्लेटर हमारे सामने आ गया फुल ही कोई लजीज किस्म का, साथ एक पूरी पराठा। अच्छा भाई, सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा है ना मुझे इसमें, इमली की चटनी जो है ना वो बहुत ही कोई लजीज किस्म की लग रही है, तो इसको ट्राई करते हैं प्लेटर के अंदर ही करेंगे ताकि मज़ा आए। सबसे पहले माय फेवरेट ऑल टाइम मलाई बोटी के साथ। यार मलाई बोटी का नाम ही मलाई है, तो मलाई नहीं होगी तो फिर फ़ायदा। भाई इसके बाद जो है इनका है चिकन लेग टिक्का, और ये देखें ओहो फुल फुल टेंडर। अब इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। अच्छा भाई, ये जो रेशमी कबाब है ना, इसको हम ट्राई करेंगे पूरी पराठे के साथ, क्योंकि पूरी पराठे के साथ जो बारबेक्यू आइटम ट्राई करने का मज़ा आता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। और देख रहे किस किस्म का लजीज, आपको उठाते ही और बाइट तोड़ते ही ना दिल करेगा कि इसको फौरन मुंह में लेकर जाया जाए, क्योंकि रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। चटनी में डिप करके, क्योंकि इनकी जो इमली की चटनी है ना उसकी गेम ही बहुत अलग है, मतलब मुँह में जाते ही बंदे को ना तबाह कुन कर देती है रेशमी कबाब। अच्छा भाई, हमारी बिहारी बोटी रह गई थी, इसको हम ट्राई करते हैं इनकी चटनी के साथ, क्योंकि जो इसकी चटनी के इमली के गेम है ना, मुझे नॉस्टैल्जिया फील आ रही है ये इमली की चटनी खाते हैं। इससे पहले जो मैंने ट्राई की थी वो चूल्हा पे ट्राई की थी। अब आ गया हमारे सामने फास्ट फूड प्लेटर, इसको ट्राई करेंगे। सबसे पहला मेरा हाथ बढ़ेगा, आपको हमेशा से पता है, जिंगर बर्गर की तरफ, क्योंकि ये बता रहे हैं, ये मुझे कह रहे हैं खाओ, तो सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं कैसे। बिस्मिल्लाह भाई, जिंगर ट्राई कर लिया। अब इसके बाद ट्राई करेंगे इनका फहीता बर्गर, जिसके अंदर जो फहीता पिज़्ज़े में जो आइटम्स होते हैं वो सारे इसके अंदर है। ऐसा ही अब इसको ट्राई करते हैं, पहले कभी नहीं किया मैंने। भाई अब ट्राई करते हैं बीफ बर्गर, जिसमें एक बीफ की पैटी है और साथ वेजीज हैं। अब हम बढ़ते हैं पिज़्ज़े की तरफ, इसको ट्राई करके बताते हैं कि ये कैसा है। ओहो, दिखने में तो लजीज लग रहा है, अब खाने के बाद बताएंगे कैसा है पिज़्ज़ा। अच्छा भाई, दोनों डील्स ट्राई कर ली हैं, फास्ट फूड भी ट्राई कर ली और साथ बारबेक्यू भी ट्राई कर ली। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप लेते हैं तो मैं कहूँगा कि बारबेक्यू जो डील है ना वो उसकी बेस्ट डील है। फास्ट फूड भी अच्छी है, पर अगर प्राइसिंग की बात की जाए, जो बारबेक्यू में आइटम्स दे रहे हैं ना वो उसी लिहाज से 1250 रुपये में ये वर्थ इट है, और आइटम बारबेक्यू वैसे ही बहुत लजीज होता है, मज़ा आता है खाने में, तो लाजमी आगे आपने ट्राई करना है, हाईली रिकमेंडेड है। लोकेशन की अगर बात करें तो जो जावेद निहारी है दस्तगीर वाली, उसी लेन में थोड़ा सा आगे आएंगे आपको कार्डियो चौरंगी में, जायका रेस्टोरेंट के नाम से रेस्टोरेंट है, तो लाजमी आगे ट्राई करिएगा, मज़ा आएगा।